गरीब होने की सजा इतनी भयावह मिली कि सजा खत्म हुई तो जान भी खत्म हो गई। एक गरीब लड़की उम्र 19 साल, उसका गुनाह गरीब होना, सजा मौत। नाम अंकिता भंडारी। पहले जरा इनके बारे में जान लीजिए। अंकिता एक गरीब परिवार की लड़की थी। गरीबी से परेशान होकर एक होटल में काम करने के लिए गई। होटल में इन्हें गेस्ट को खुश करने की सलाह दी गई, पूरी तरह चाहे जिस्म से हो या फिर कैसे भी, वरना धमकी दिया गया कि जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब एक वीआईपी आता है, पता नहीं या गेस्ट जो है पुलकित आर्या का नाजायज बाप था क्या या फिर कुछ भी था, उसे कोई मतलब नहीं, इसे यह बहुत ज्यादा वीआईपी बता रहा था। यह अंकिता को धमकी भी देने लगा कि या तो तुम इसे स्पेशल सर्विस दो यानी कि जिस्म की पूरी आजादी, या फिर एक लड़की का तुम व्यवस्था करो। गेस्ट 10,000 रुपये दे रहा है, यह पुलकित वर्मा का कहना था। इसके बाद अंकिता से जबरदस्ती की गई। अंकिता जब विरोध करने लगी तो इसे 10,000 देने की बात कही गई। ना मानने पर अंकिता की जान चली गई, भारत की एक बेटी की जान चल गई, जिसका कि एक लबारिश की तरह एक नाले में उसका शरीर मिला, मृत शरीर मिला। और इसका मास्टरमाइंड था इस होटल का मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। बता दें कि यह होटल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था। मतलब कि एक नेता के सामने गरीब के जिस्म का कोई मोल नहीं है, कोई कुछ उसका कीमत नहीं है। सारा यदि सरकार को लगता है कि आम जनता का भी वैल्यू है तो जल्दी से जल्दी इस पर कोई कार्रवाई तो करना चाहिए। और ये जो तीनों है गुनेगार, इनको कम से कम नहीं कुछ तो खुले नंगा करके साला बीच चौराहे पे जला दो इसको। कम से कम ऐसा कोई दोबारा तो ना कर सके। अगर आप भी एक सच्चा इंडियन है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।